नमस्कार, आप देख रहे हैं एचसीएल न्यूज। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के उन बड़े नेताओं में शुमार हैं जिन्हें जनता तहे दिल से सम्मान करती है। यूपी के भावी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चाहने वाले उन्हें सर आंखों पर बिठाते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण 10 मार्च के चुनावी नतीजे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल कर ली। पूरे देश में योगी आदित्यनाथ को प्यार करने वाले खुशियां मनाने लगे। लेकिन यहाँ एक पहुंचे हुए बाबा की कहानी ने हर किसी को रुला कर रख दिया है, जिन्होंने आदित्यनाथ के लिए अंग जल सब त्याग दिया। प्रण के तौर पर स्पष्ट कहने वाले बाबा ने कहा था कि यूपी में योगी जब तक दूसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे वो समाधि पर बैठे रहेंगे। जी हाँ, चुनावी दंगल का महातांडव खत्म हो चुका है। 5 राज्यों के नतीजे सभी के सामने आ गए हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा चर्चा यूपी के आगरा में एक फकीर बाबा की हो रही है, जो 41 दिनों से समाधि में लीन थे। यानी योगी आदित्यनाथ से प्रभावित फकीर बाबा ने 1.5 महीने से बिना कुछ खाए पिए ही समाधि में लीन होने का फैसला किया। बाबा ने प्रण लिया था कि सीएम योगी फिर से राज्य के सीएम बनेंगे, तभी वो समाधि से बाहर आएंगे। ऐसे में अब जब योगी आदित्यनाथ की पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने भरपूर समर्थन देकर अपना वोट देकर जिताया, तब बाबा को सुकून पहुंचा, क्योंकि उनकी समाधि और ध्यान सफल रही। आगरा के फकीर बाबा का कहना है कि योगी आदित्यनाथ को जानवरों से बहुत प्यार है, वो सभी का ध्यान रखते हैं। इसी से प्रभावित होकर मैंने सोचा था कि योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बने और इसके लिए समाधि ली, ध्यान किया। फकीर बाबा को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि फकीर बाबा बहुत ही पहुंचे हुए संत हैं। उन्होंने आगे कहा, फकीर बाबा ने प्रतिज्ञा की थी कि योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बने। यहां पूर्ण बहुमत पाकर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने उत्तर प्रदेश के अंदर 273 सीट पाकर देश के सभी राजनेताओं को बड़ा संदेश दे दिया है कि जनता का समर्थन उनके साथ भरपूर है। मौजूदा समय में योगी आदित्यनाथ का वर्चस्व पूरे देश में बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और देखते रहिए एचसीएल न्यूज़। धन्यवाद।